हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज किचन। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वह मेरे दिल के बहुत करीब है। इसे बनाते समय मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। माँ जब यह रेसिपी बनाती थी तब घर में प्रवेश के पहले ही हमें पता चल जाता था आज रवा केक बनी है, क्योंकि इसकी भीनी भीनी खुशबू इसके बनने का पहले ही संकेत दे देती थी। उस जमाने में ओवन, माइक्रोवेव ये सब नहीं हुआ करते थे। यह केक बनती थी कोयले से चलने वाली सिगड़ी के ऊपर एकदम धीमी आंच पर रवा केक बेक होती थी। उसी तरह मैंने कोशिश की है वही फ्लेवर ला पाने की। सिगड़ियाँ तो अब नहीं हैं, परंतु तवे पर रवा केक बनाकर उसी स्वाद को लाने का प्रयत्न किया है। आप लोग भी बनाकर देखिए और मुझे बताइए, यदि आपको पसंद आती है तो लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसे आप 4 कप केक भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने घर पर बना हुआ मक्खन लिया है। इस मक्खन को पिघला कर हमें आधा कटोरी मक्खन यूज़ करना है। यहाँ सारे ही मेजरमेंट्स मैं इस कटोरी के माप से ही बताने वाली हूँ। इसी कटोरी के माप से अब लें 1 कटोरी रवा। रवा यदि मोटा वाला है तो उसे एक बार मिक्सर में से घुमा लें। अब कढ़ाई में इस रवे को हमें धीमी आंच पर थोड़ा भून लेना है। ध्यान रहे उसका कलर चेंज ना होने पाए, सिर्फ थोड़ा गर्म हो जाए। अब इस रवे को एक बोल में निकाल के रख दें और थोड़ा ठंडा होने दें। फिर इसमें मिलाए 1/2 कटोरी पिघला हुआ मक्खन, 1 कटोरी शक्कर, लेकिन हमारे यहाँ इतना मीठा पसंद नहीं करते इसलिए मैंने उसमें से 2 बड़े चम्मच शक्कर निकाल ली है। फिर डालें 1 कटोरी ताज़ा फेटा हुआ दही और 1/2 कटोरी दूध। आप चाहे तो दूध की मात्रा 1 कप और दही की मात्रा 1/2 कप भी कर सकते हैं, स्वाद में थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर इसमें डालें 1 चुटकी नमक। यदि आप बाज़ार का मक्खन यूज़ कर रहे हो तो उसमें पहले से सॉल्ट रहता है, इसलिए नमक ना डालें। अब इसे हल्के हाथों से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि उसमें कोई भी गुठली ना रहने पाए। अब इस बैटर को ढककर करीबन 2 घंटे के लिए रख दें। अब तैयारी कर लेते हैं बेकिंग ट्रे की। इसके लिए आपके पास कुकर का डिब्बा होगा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर बेकिंग ट्रे है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके हिसाब से ही स्क्वायर बटर पेपर को काट लिया है। सबसे पहले ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद लगाइए बटर पेपर। यह लगाने से केक निकलने में आसानी होती है। उसे लगाने के बाद बटर पेपर को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, चाहे तो मक्खन लगा सकते हैं। अब करीबन 2 घंटे बीत चुके हैं। मैंने लोहे का तवा गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे हमें 2 मिनट तक तेज आंच पर गर्म करना है। तब तक देख लेते हैं केक का बैटर। इसे देखिए, यह अच्छी तरह से भीग चुका है और रवा फूल गया है। अब इसमें डालें 1 चम्मच केसर इलायची का सिरप। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर दूध में मिलाकर डाल सकते हैं या फिर सिर्फ इलायची का पाउडर डालकर भी इसे बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दीजिए। फिर इसमें डालें 1 बड़ी चुटकी बेकिंग सोडा। इसे डालकर अच्छी तरह से करीबन 1/2 मिनट तक इसे फेंट लीजिए। इसके बाद इस बैटर को हमने तैयार किए हुए ट्रे में डाल दीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है, बेकिंग पाउडर का नहीं। अब इस ट्रे को हमें गर्म किए हुए तवे पर रखना है और एकदम धीमी आंच पर करीबन 35 से 40 मिनट तक के लिए इसे बेक होने देना है। ऊपर से ढकना भी ज़रूरी है, लेकिन आंच एकदम धीमी रहे इस बात का ध्यान रखें। और तवा भी जितना मोटा होगा उतना ही केक बहुत अच्छी तरह से बेक होगा। अब करीबन 35 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर बेक होने के बाद हम केक को चेक कर लेते हैं। यदि टूथपिक डालने के बाद वह
बिना बैटर लगे निकल आती है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इस स्थिति में गैस बंद कर दीजिए और केक को इस तवे पर ही रखकर थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। जब यह ठंडा हो जाए तब चाकू से इसके किनारे अलग कर लीजिए और किसी जालीदार चीज पर इसे रख दीजिए। मैं यहाँ पर माइक्रोवेव का रैक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे चाहे तो घर की छन्नी के ऊपर भी रख सकती हैं। बटर पेपर को अलग कर दीजिए। यह तैयार है हमारा रवा केक। आप देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया जाली पड़ी है। जब आप इसे बनाएंगे इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल जाएगी। इसे ज़रूर बनाकर देखिए, खाइए, खिलाइए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।